तो फ्रेंड कैसे हो आप? अच्छे हो ना? मैं अच्छा हूँ। मैं अभी मेघालय में हूँ, तो दाऊकी से मैं सीधा 54 किलोमीटर पूरा आप था चलाई था, तो मैं अभी चला आया जुआई में। जुआई एक सिटी है छोटा सा ये मेघालय का, तो जुआई में मैं अभी आया। तो यहाँ एक शिव मंदिर है, वो शिव मंदिर का एक ऑफिस रूम है, तो वहाँ हमको रहने का जगह मिला। तो अभी मैं खाना बनाऊँगा। अब तो जानते नहीं, मैं होटल में नहीं खाता हूँ क्योंकि होटल में खाने का इतना पैसा मेरे पास नहीं है। देखिए 10-15-20 दिन का बात रहता तो अलग बात होता, लेकिन ये 1.5 साल का पूरा सफ़र है, तो इसलिए होटल में खाने का इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो मैं अपना हाथों से खाना बना के खाता हूँ। तो मैं कैसे खाना बनाता हूँ, क्या क्या मेरे पास है खाना बनाने का सामान, तो मैं आज खाना बनाऊँगा। तो आप देखते रहिए मैं क्या खाना बनाता हूँ और कैसे बनाता हूँ। तो अब देखिए, ये है मेरा स्टोव है, पाम देने वाला स्टोव है, इसमें खाना बनाता हूँ मैं। और ये मेरा छोटा सा एक हाड़ी है, तो इसमें चावल बनाता हूँ मैं। तो मैं अभी चावल रेडी कर रहा हूँ। चावल मैंने बैठा दिया फ्रेंड, देख रहे हैं आप, चावल बैठ गया। और मैं अभी चावल के साथ खाना बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा आप देखते हो, ये है फूलगोभी है, ये है पनीर, आलू है, ये आलू है, ये बैंगन है, ये करेला है, वो सब्जी है, चावल बन रहा है। ये देखिए पनीर निकाया, ये पनीर बनाऊंगा, पनीर फूलगोभी और आलू से सब्जी बनेगा।
बाद मैं खाना खाऊंगा। बाद में कभी मिला के सब्जी बनाया। फ्रेंड मेरा खाना अभी रेडी हो गया, मैं अभी खाऊंगा और नींद भी आ गया बहुत, क्योंकि बहुत ट्रैवल किया है ना, और आँखों में बहुत नींद भी आ गया। खाना वाना खा के और सो जाऊंगा। फ्रेंड मैं भी खाना खा रहा हूँ और आप लोग भी खाना खाइए, अपना अपना खाना खा के आप लोग भी सो जाइए। नींद भी आ गया तो खाना खा के अब कुछ नहीं करूँगा। बर्तन मैं रात को साफ कर लेता हूँ, लेकिन बहुत टायर्ड हुआ आज, क्योंकि रास्ता बहुत चढ़ाई था। वो आपका दाऊकी से जुआई तक आने के लिए जो 54 किलोमीटर्स रास्ता है, तो बहुत चढ़ाव है फ्रेंड्स, इसलिए मेहनत बहुत हुआ। ये ऑल इंडिया बाईसाइकिल ट्रैवल पे हूँ मैं, भारत दर्शन आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो भी मैं जानता हूँ, क्योंकि भगवान दर्शन करने के लिए मेहनत करना ही है। इसलिए फ्रेंड्स मैं भी खाना खा रहा हूँ, आप भी खाना खाइए और आराम से सो जाइए। और ऑल फ्रेंड्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि